कांग्रेस को यूं ही गरीब मजलूमों की आवाज उठाने वाली पार्टी नहीं कहा जाता। शिद्दत की ठंड के बीच आज हल्द्वानी में कांग्रेस की मेहनत से गरीबों के आशियाने सलामत बच गए। हल्द्वानी के करीब 5,000 लोगों के घरों पर मोदी सरकार का बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील सलमान खुर्शीद की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कह दिया कि मकान नहीं तोड़े जाएंगे। सर्द मौसम में बेघर लोगों को देखकर ही बदन थर्रा जाता है। कांग्रेस की मेहनत की बदौलत हल्द्वानी के हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सिर पर छत बच गई है। अब हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पिछले कई दिनों से यहाँ के लोग हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे, रो रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने लोगों के दर्द को समझा और सोमवार को हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका को लेकर सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दो टूक कह दिया कि 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे। 7 दिन में 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। कई दिनों के बाद आज उन सभी आंखों में सुकून देखा है जिनके घर टूटने वाले थे, पुश्तैनी मकान उजड़ने वाले थे। कांग्रेस देश के उन सभी लोगों की आवाज है जिनकी कोई नहीं सुनता। भारत जोड़ो यात्रा इसी का उदाहरण है। राहुल गांधी हर उस देशवासी की बात सुन रहे हैं जिसकी आवाज सरकार दबा देना चाहती है।